हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक है और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एफिलिएट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। हर बार इसमें एक नया पॉइंट मिल ही जाता है। कुछ दिन तक तो हाँ ठीक है, दिमाग में रहता है कि ये चीज़ें नहीं करनी है, बट कुछ दिन बाद एक नई स्कीम आती है या फिर एक नया एफिलिएशन आता है, लोग उसमें ज्वाइन होते हैं और मस्त बह जाते हैं। फिर बाद में ओके, मेरा इतना लॉस हो गया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। तो देखो यार, गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन चीज़ें डिपेंड करती हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। लाइक किसके लिए एफिलिएट है, किसके लिए नेटवर्क है, कौन कौन नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता है, कौन कौन एफिलिएट मार्केटिंग करता है, ये डिपेंड करता है। सभी लोग ये चीज़ें नहीं कर सकते, क्योंकि हमको ये चीज़ें ऐसे एक्सप्लेन की जाती है कि बहुत ईजी है अर्निंग करना, सो सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपना पैसा गंवाते रहते हैं। तो इस वीडियो में मैं काफ़ी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत सी चीज़ें कवर करूँगा। पहले तो कवर करूँगा दोनों चीज़ें हैं क्या, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया मिलेगा एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और एक्चुअल में एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। देन इनकम सोर्स क्या है, इसमें रिक्रूटर्स कौन कौन होते हैं, प्रोडक्ट फोकस, कंपनी सपोर्ट, स्टार्टअप कॉस्ट, अर्निंग पोटेंशियल, रेपुटेशन और एग्जांपल्स, कौन कौन सी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यार जैसे कि मैंने बताया कि एफिलिएट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पहले बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की। नेटवर्क मार्केटिंग एक बंदा होता है, वो दूसरे बंदे को ज्वाइन करता है, दूसरा बंदा तीसरे बंदे को ज्वाइन करता है, ऐसे करके एक नेटवर्क क्रिएट किया जाता है। एक ट्री को समझो, ट्री जैसे क्रिएट होता है, एक पेरेंट, दो चाइल्ड, फिर दो चाइल्ड के दो चाइल्ड, ऐसे बढ़ते जाते हैं एक पिरामिड की तरह, वैसे ही ये नेटवर्क मार्केटिंग है। ऐसी कहीं पर भी चेन हो रही है या सर्कुलर हो या किसी तरीके से जुड़ रहे हैं, कोई एक दूसरे को रेफर कर रहा है, रेफर करके ज्वाइन करा रहा है, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग है। आगे बढ़ते हैं एफिलिएट में। एफिलिएट में आपको किसी को ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा, आपको अपनी लिंक रेफर करनी पड़ती है। आपको जो कंपनीज है या फिर कोई भी साइट है, वो आपको एक लिंक प्रोवाइड करते हैं, उस लिंक से कोई भी प्रोडक्ट अगर खरीदता है तो आपको एक कमीशन मिलती है, दैट्स ऑल। ये डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट बढ़ते हैं इनकम सोर्सेज की तरफ। देखो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, जो इनकम सोर्स होती है वो आती है, हाँ ठीक है आती है, बट वो कहाँ से आती है, जो डाउन लाइन, मतलब जो टॉप पर बंदा बैठा है उसके नीचे जो बंदे बैठ कर अगर काम कर रहे हैं और साथ में खुद भी अगर वो काम कर रहा है, तो उसका मिलाकर और जो नीचे लोग काम कर रहे हैं उनका मिलाकर उसको पेमेंट मिलती है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल नीचे जुड़े हुए हो, लाइक आप डाउन लाइन में हो, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप टॉप पर हो तो ऑफ कोर्स आपको मिलेगा। बट यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग की बात करें तो एफिलिएट मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता। एफिलिएट मार्केटिंग में आप लिंक रेफर करते हैं, खरीदा ना खरीदना उनकी मर्जी है, अगर कोई खरीदता है तो जो कंपनी है वो आपको एक छोटा अमाउंट कमीशन में देती है। लाइक वो तो पहले भी अपना प्रोडक्ट सेल ही कर रही थी, बट अगर आपके थ्रू वो सेल होता है तो आपको एक कमीशन दिया जाता है, और ये इमीडिएट प्रोसेस होता है, इसमें कुछ लेंदी प्रोसेस नहीं होता। अब एक चीज आती है रिक्रूटर्स, मतलब ये दोनों एक मार्केटिंग है ना, तो मार्केटिंग कोई ना कोई तो रिक्रूट करेगा। जो नेटवर्क मार्केटिंग है, जो टॉप डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो रिक्रूट करता रहता है, और जिसे रिक्रूट करता है या फिर जिसको ज्वाइन कराता है वो उसके थ्रू और लोगों को ज्वाइन करने के लिए बोलता है, तो ये प्रोसेस होता है। लेकिन एफिलिएट में क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग में आपको रिक्रूट नहीं होता, बहुत सारी वेबसाइट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आपको कोई रेफरेंस देता है, ठीक है, आप उनके रेफरेंस के थ्रू जुड़ सकते हो, वहाँ पर जुड़कर आपको भी एक रेफरल लिंक मिल जाती है, आप उस रेफरल लिंक को शेयर करके अर्निंग जनरेट कर सकते हो। अर्निंग जनरेट करने का सेंस कि अगर आपके लिंक से कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है तो आपको एक छोटी इनकम मिलती है। प्रोडक्ट फोकस क्या है दोनों में, पहले बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट पर फोकस उतना नहीं करते, सेलिंग पर फोकस करते हैं। आपसे मिलकर आपको एक्सप्लेन करेंगे प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट क्योंकि अच्छा होता नहीं उनका, तो अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं उनको, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लेने के लिए फोर्स करते हैं, आपके माइंड में डालते हैं कि उसमें नेचुरल चीज़ें मिलाई गई हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसी चीज़ें होती है। बट एफिलिएट में ऐसा नहीं होता कुछ। एफिलिएट में चीज़ें क्या होती हैं, जो बंदा रेफर कर रहा है उसको उस प्रोडक्ट से बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो प्रोडक्ट कैसा है, वह सिंपल रेफर करता है प्रोडक्ट को, अगर कोई भी कस्टमर उसका डिस्क्रिप्शन पढ़कर अगर खरीदने वाला है, खरीदने का मन है उसका, तो वो खरीद सकता है। दोनों का कहीं लॉस नहीं हो रहा है। एफिलिएट मार्केटिंग में कोई फोर्स नहीं होता, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती, वो पूरा कंज्यूमर पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कंपनी सपोर्ट का। यहाँ पर लाइक अब हम किसी कंपनी में जुड़े हुए हैं तो वो कैसे सपोर्ट करती है, तो जो नेटवर्क मार्केटिंग है इसमें थोड़ा सपोर्ट ज़्यादा मिलता है। लाइक आप अगर डिमोटिवेट होने लगे तो पूरा डिस्ट्रीब्यूटर जो अपलाइन है वहाँ से लोग आएंगे, आपको मोटिवेट करने लगेंगे, कंपनी के और भी लोग जो हैं टीम मेंबर्स वो आपको मोटिवेट करने लगेंगे, और भी तरह तरह की चीज़ें हैं, तमाम लोग यूट्यूब पर ही हैं जो कि MLM में जुड़े हुए हैं, लाइक नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े हुए हैं, वो आपको मोटिवेट करने लगेंगे, तो थोड़ा सपोर्ट यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा दिखाया जाता है। अगर आप मेंटली नीचे जा रहे हो तो, अगर आप कोर्स फाइनेंशियली नीचे जा रहे हो तो किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये बात होती है नेटवर्क मार्केटिंग में। एफिलिएट में क्या सीन होता है कि अगर आपके लिंक में कोई एरर है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है विद दैट लिंक, तो कंपनी आपको हेल्प करेगी, बाकी अगर कोई इशू होता है आपको तो कंपनी उसके लिए सपोर्ट नहीं करती, सिंपल। स्टार्ट करने में कॉस्ट क्या लगती है, नेटवर्क मार्केटिंग चाहे जो नेटवर्क मार्केटिंग हो, आपको स्टार्टिंग में बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, और वो पैसा रिटर्न आएगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है।
ये तो लिख कर ले हो, आपको कोई किट सप्लाई करेगा, कोई प्रोडक्ट देगा, ब्ला 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 चीज़ें, एक रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, ऐसी चीज़ें नेटवर्क मार्केटिंग में होती हैं। बट बात करें हम एफिलिएट मार्केटिंग में, तो वो उसमें कोई चार्ज नहीं लगता, क्योंकि जो कंपनी है वो खुद अर्न करेगी अगर आप उसके एफिलिएटर बनते हो तो इनडायरेक्टली वो फ्री होता है, जैसे आपको रजिस्टर करना पड़ता है, उसके बाद आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो अगर आपके लिंक से कोई खरीदता है तो। अर्निंग पोटेंशियल, इसका मतलब क्या है कि आप कैसे अर्न कर सकते हो, क्या चीज़ें आप करोगे तो अर्न करोगे। नेटवर्क मार्केटिंग में चीज़ें सिंपल है, आप लोगों को जोड़ते चले जाओ, नीचे के बंदे जितना काम करेंगे वो जितने लोगों को जोड़ेंगे आपकी इनकम बढ़ती रहेगी, ठीक है। लाइक इसमें सिंपल प्रोसेस है, आपने किसी को जोड़ा और उनको बोला और जोड़ो, और वो ऐसे जोड़ते जा रहे हैं और वो सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट। तो जिनको आपने हायर किया है, रिक्रूट किया है, जो भी जैसे भी आपने ज्वाइन कराया है, अगर वो काम कर रहे हैं तो आपको इनकम दबा के मिलेगी। लेकिन एफिलिएट में ऐसा नहीं, एफिलिएट में एक बार आपको लिंक मिल गई है, उस लिंक पर या कोड को जो भी आपको मिला हुआ है उससे जो भी प्रोडक्ट खरीदा जा रहा है उस पर आपको एक फिक्स कमीशन मिलती रहेगी, ठीक है। अगर कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा तो आपको कमीशन मिलना बंद हो जाएगा। ये सिंपल, बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन होता है कंपनी और आपके बीच में, इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है। चलो बात करते हैं रिस्क के बारे में, कुछ रिस्क भी तो होंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भर भर के रिस्क हैं, बहुत सारे रिस्क हैं। कंपनी कब छोड़ के चली जाएगी कोई गारंटी नहीं है, आप तक कब स्कैम हो जाएगी कोई गारंटी नहीं है, आपको कब रियलाइज हो जाएगा कि नहीं मुझे इसमें नहीं आना था इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, आपके पैसे कब चले जाएंगे ये भी कोई गारंटी नहीं है। सब कुछ डिपेंड करता है सिचुएशन पर। आपको स्टार्टिंग में बहुत मजा आ रहा है, बहुत मोटिवेशन मिल रहा है, आप काम करते जा रहे हो, आप बहुत सारे पैसे लगाते जा रहे हो, क्योंकि आपको एक आइडिया है कि फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है, तो आप पैसे लगाते जा रहे हो। बट वो आपको कब रियलाइज़ होगा कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, उस समय आपको समझ आएगा नहीं यार सब पैसे तो जा रहे हैं, कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद आपको ना चाहते हुए भी उस कंपनी में रहना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप सोचोगे कि ठीक है कोई नहीं, एटलीस्ट थोड़े दिन और रह के शायद जितना लगाया है उतना निकाल लूँ, और सेकंड थिंग होगी ठीक है यार कुछ नहीं दिया, एटलीस्ट उसके मैंने प्रोडक्ट यूज किए हैं जो घटिया थे वो यूज़ किया आपने, तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। बट एफिलिएट में सीन ऐसा होता है कि कभी कभी जैसा कि मैंने बताया एरर आ गया, या फिर कंपनी मान लो बंद भी हो गई, आपका कंपनी से जो कनेक्शन था वो टूट गया, तो इस केस में आपको लॉस हो सकता है, मे भी हो सकता है, बट इतना नहीं होगा कि उसके लिए आप गिल्ट फील करोगे, बुरा लगेगा आपको, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला आप, क्योंकि आप ज़्यादा लॉस नहीं कर रहे, और कोई खरीदे या ना खरीदे उससे आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप एफिलिएशन जानते हो तो आप किसी और कंपनी से टाइप करके एक एफिलिएशन लिंक लेकर कंटिन्यू कर सकते हो, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई लॉस हो सकता है किसी का। रेपुटेशन की बात की जाए तो बहुत सारी कंपनीज हैं नेटवर्क मार्केटिंग में जिनकी अच्छी खासी रेपुटेशन बन चुकी है, आई डोंट नो कैसे, बट बन चुकी है और काफ़ी अच्छे से प्रोसीड कर रहे हैं वो लोग, आई डोंट नो कब तक करेंगे, लाइक वो बहुत ज़्यादा भी नहीं है बट ठीक है, लाइक कुछ जगह बना ली है इतना ज़्यादा कनेक्शन कर करके। बट एफिलिएट में ब्रांडेड कंपनीज ही होती हैं जिन जो वेबसाइट वगैरह अवेलेबल होती है, जिनकी एक अच्छी खासी कंपनी होती है, अच्छा खासा सेटअप होता है, वो लोग रेफरल करते हैं। ओके, फिर कुछ एग्जांपल्स भी हैं लाइक नेटवर्क मार्केटिंग में कौन कौन कंपनी आती है, एमवे आती है, हर्बल लाइफ आती है, मोदी केयर है और वेस्टीज है, ऐसी कंपनीज आती हैं एफिलिएट मार्केटिंग में। तो इसमें अमेजॉन आता है, क्लिक बैंक आता है, कमीशन जैक्सन है, एनी टाइम शॉपिंग है, तो ये सारी कुछ कंपनीज हैं जो कि एफिलिएशन प्रोवाइड करती हैं, और बहुत सी कंपनीज हैं लाइक अर्न करो वो भी एफिलिएशन प्रोवाइड करती है, तो आप उनके थ्रू जा सकते हैं, एफिलिएशन चेक कर सकते हो। तो ये तो रही यार लाइक थियोरेटिकल बातें कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब मेरा ओपिनियन सुनो, अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है ना, मिनिमम 100 लोग अगर आप बोलते हो कुछ और 100 लोग अगर सुनते हैं, तो इन दोनों फील्ड के बारे में सोचना है, वरना इन दोनों फील्ड में जाना ही नहीं, आपको नहीं जाना है बिल्कुल किसी, ना नेटवर्क में जाना है ना एफिलिएट, दोनों बकवास है आपके लिए अगर आपके पास 100 लोगों की रीच नहीं है तो। सेकेंड थिंग, अगर आपके पास 100 लोगों की रीच है तब आप इसमें जाना चाहते हो तो किस में जाना है, नेटवर्क में जाना है या फिर एफिलिएट में जाना है? देखो, अगर आपको लगता है कि आपके जो लोग हैं आपके कॉन्टैक्ट में वो आपसे जुड़ के वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, वो और लोगों को अच्छे से जोड़ सकते हैं, आप एक बेहतर अर्निंग कर सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग तो। इसमें सीन क्या होता है, जो नीचे रहेंगे वो उनको प्रॉब्लम होती है, वो बेचारे कुछ नहीं कमा पाते, वो सब कुछ खोते चले जाते हैं। जब आपको भी कोई जोड़ेगा जो टॉप पर होगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, उसको मिलना स्टार्ट होता है, उसकी अर्निंग इंक्रीज होने लगती है, बहुत अच्छे से इंक्रीज होती है, बट आप कुचलते चले जाते हो, आपको कुछ नहीं मिलता, आप डे बाई डे इतने गंदे फंसते चले जाते हो कि आपको कुछ नहीं होता अगर आप जोड़ नहीं पाए, क्योंकि जो नीचे वाले हैं उनके साथ बुरा होने वाला है, कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। जो सबसे नीचे जुड़े हैं, सबसे लास्ट नंबर में हैं, उनका क्या होगा कभी सोचा है? नहीं सोचा। सिंपल चीज़ें कहूँगा, एक लोग कहते हैं ना एक के बाद जोड़ते चले जाओ जोड़ते जाओ, सिंपल फार्मूला है, किसी भी चीज़ का एक्सप्लोर करते जाओगे ना 10 डिजिट की बात तो पॉपुलेशन खत्म हो जाती है, तो जस्ट इमेजिन करो जो 10th नंबर पे बंदा आएगा उसका क्या होगा। नेटवर्क मार्केटिंग में ये चीज़ें होती है, जो टॉप पे रहेगा बहुत अच्छे से अर्निंग करेगा, नॉट अ प्रॉब्लम, बहुत अच्छे से कमाते हैं वो लोग, क्योंकि उनके पास अच्छा खासा नेटवर्क होता है, उनकी बातें लोग सुनते हैं, तो वो अर्न करते हैं। सीधे कहूँगा आपको नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं जाना है अगर आप अर्निंग के लिए जा रहे हो तो,
हाँ एक चीज के लिए जा सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड करने के लिए। आपको बड़े लोगों में बात कैसे करनी है, मीटिंग वगैरह होती है कैसे होती है, कैसे माइंड वॉश करते हैं, इन चीज़ों को दिमाग में रखने के लिए जा सकते हो, सीखने के लिए जा सकते हो। बस दिमाग में ये रखना कि मैं अर्निंग के लिए नहीं जा रहा हूँ, मुझे कमाना नहीं है, मुझे प्रोडक्ट सेल नहीं करना है। उनकी जो मीटिंग हो रही है या फिर कुछ हो रहा है लाइक वो बात कर रहे हैं तो वहाँ पर अटेंड करो, बोलना सीखोगे, कुछ एक आइडिया मिलेगा, हाँ यार ऐसे बात करते हैं, मतलब जोश जो होता है ना वो आएगा। ऑफकोर्स उसके लिए जाना चाहिए, मैं खुद प्रीफर करता हूँ ऐसी चीज़ों के लिए। आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर सकते हो, आपको लोग मिलते हैं वहाँ पर, बट अर्निंग के लिए जा रहे हो तो प्लीज़ मत जाओ, बहुत गंदी चीज़ है। एफिलिएट मार्केटिंग में जा सकते हो, मैं प्रेफर करता हूँ, ऑफकोर्स आप जा सकते हो अगर आपके पास नेटवर्क है, कुछ लोग सुनते हैं, और वैसे भी जा सकते हो, आप क्रिएट कर सकते हो, सिंगल नॉर्मल लिंक क्रिएट कर लो। आज यहाँ सभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, इस केस में क्या कर सकते हो, आप उन लोगों को अपने लिंक रेफर कर सकते हो। वैसे भी तो वो प्रोडक्ट खरीदने ही वाले हैं, लाइक कोई फ़ोन खरीद रहा है, कोई लैपटॉप खरीद रहा है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है, आप ऐसे कर सकते हो अगर आपके पास नेटवर्क है तो। अगर आपके पास 100 लोगों का भी नेटवर्क नहीं है ना, तो इस चीज़ों में मत फंसो, क्योंकि आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आई होप क्लियर हो, थोड़ा आइडिया मिला होगा एफिलिएट और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो बस आज के लिए वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और हाँ यार थोड़ा शेयर करो क्योंकि चैनल बहुत नीचे जा रहा है, थोड़ा शेयर करोगे तो कुछ लोग और आएंगे, 2000 सब्सक्राइबर हो जाएं यार एटलीस्ट नेक्स्ट मंथ में, बस सब्सक्राइब कर देना नए हो तो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।